हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का दोस्त रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूं कोरोना के बारे में। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना ने पूरे विश्व की हालत ख़राब कर रखी है और हमारा भारत देश भी इस बीमारी से जूझ रहा है। और ऐसे में हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए अपने लाइफ स्टाइल में, अपने ईटिंग पैटर्न में कौन कौन से चेंजेस लेके आने चाहिए, उसके बारे में मैं बात करूँगा। आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ उसे अगर आप फॉलो करते हो अपने लाइफ स्टाइल में, तो मैं आपको एश्योर करता कि इस बीमारी से आप, अगर वर्स्ट कंडीशन में बात करूंगा, आपको अगर बीमारी किसी को हो भी जाती है, भगवान ना करे किसी को अगर हो जाती है, लेकिन तो आप अगर ये सब चीजों को फॉलो करते हो तो आप इसे लड़के ठीक होके अपने घर आ जाओगे। तो सबसे पहली चीज कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। हमारे पीएम सर ने ये लॉकडाउन हमारे पूरे देश में लगा दिया है, वो हमारे लिए लगाया हुआ है। तो बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं कि इसका फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है देख लेंगे क्या होगा, कुछ नहीं होता। तो इस एटीट्यूड से हमें नहीं चलना है, बिल्कुल भी नहीं चलना है। इस बीमारी को आप हल्के में ना लो। तो आपको लॉकडाउन का 100% पालन करना है। और आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, आप उनके साथ गेम्स खेलें, छत पे जाएं, घर में, घर के अंदर छोटे छोटे गेम्स खेलें, एंगेज करके रखें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। बहुत लोग बोलते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। बोर क्यों हो रहे हो भाई? आप अगर, कुछ लोग जॉब करने वाले हैं, कुछ लोग बिजनेस करने वाले हैं, तो आपको एक बहुत, आपको पूरे लाइफ में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टाइम मिला हुआ कि आप अपने फैमिली के साथ इतने अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करो। तो इस चीज़ को आप इंजॉय करो। अभी इस तरीके का माइंडसेट रखो अपना कि नहीं, यू आर enjoying with your families। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब आप घर से जाते हो तो हमारी ये सोच होनी चाहिए, हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए कि जब हम घर से जा रहे हैं तो हर एक जगह कोरोना का वायरस है। अगर ये सोच आपकी होगी तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि आप घर से बाहर निकल रहे हो, आप गेट का हैंडल छू रहे हो, लिफ्ट का बटन दबा रहे हो, तो इन सब चीज़ों में आपकी ये सोच होनी चाहिए कि वहाँ पे कोरोना का वायरस है। अगर ऐसा आप सोचते हो तो आप पहले और बाद में दोनों समय किसका इस्तेमाल करोगे? सैनिटाइजर का। तो सैनिटाइजर का आप इस्तेमाल करोगे और वायरस वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप कोशिश करें कि जब बाहर जाएं तो 3-4 दिनों का सामान जो है एक साथ ही ले आएं, ठीक है, ताकि आपको बार बार बाहर जाने की आवश्यकता ना हो। तो इन सब चीज़ों को तो फॉलो करना ही है। साथ ही साथ आपको अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। उसे करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए वो मैं आपको आज बताऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों को आप फॉलो करें, जिससे आपकी जो भी अभी अगर किसी भी स्टेज पे आपकी इम्यूनिटी है तो बूस्ट हो जाएगी, और किन्हीं की स्ट्रांग है तो वो अच्छी हो जाएगी, वीक है तो अस्टी हो जाएगी, सॉरी। तो पहली चीज़ जो है वो आपको विटामिन सी का इस्तेमाल करना है। अपने खाने में विटामिन सी के जो आइटम्स हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है उसे आप लेके आए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है विटामिन सी को प्रोड्यूस नहीं करती, ना ही उसे अब्जॉर्ब करती है। तो आप क्या कर सकते हो कि संतरे का इस्तेमाल करो, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। लेमन का इस्तेमाल करो, आप लेमन में विटामिन सी पाया जाता है। लेमन को हम कई तरीकों से अपने खाने में लेके आ सकते हो, आप डायरेक्ट आप पानी में डाल के भी उसे पी सकते हो। तो जैसे भी आपको लगे विटामिन सी का इस्तेमाल करें। योगर्ट का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप, उसमें विटामिन डी भी होता है, वो आपके लिए फायदेमंद ही है विटामिन सी के साथ साथ। पपाया का इस्तेमाल करें, पपीते का सेवन करें बहुत ज्यादा, गार्लिक का इस्तेमाल करें, लहसुन को खाएं हर एक तरीके से, जिस भी तरीके से आप खाना चाहें। जिंजर का इस्तेमाल करें आप। ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं एक बार आप नोट डाउन कर लें वन बाई वन, और इन सब चीजों को आप अपने खाने में लेके आओ। टर्मरिक का इस्तेमाल करें, हल्दी का, बहुत लोग को पता होगा कि हल्दी का दूध पीते हैं, घर वाले सजेस्ट भी करते हैं जब हमारी तबीयत खराब होती है या फिर हमें कोई जख्म हो जाता है या कोई भी चीज़ होता है, उससे रिकवरी करने के लिए हमें हल्दी का दूध दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और जल्दी जल्दी उस घाव को हम ठीक कर पाते हैं, हमारी बॉडी ठीक कर पाती है, इसलिए हमें दिया जाता है। तो टर्मरिक का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप अपने चाय को, टी को, कॉफी को रिप्लेस कर दो ग्रीन टी के साथ। और हमेशा जब आप चाय पीने का मन करें तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करो। मुझे पता है बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्लीज करें आप, और अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। और चीज हम क्या कर सकते हैं अभी कि ब्रोकली सब लोगों को पता होगा मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, तो ब्रोकली को आप लेके आए। ब्रोकली का ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करें अपने खाने में। यह तो हो गई खाने की बात, अब अपने लाइफ स्टाइल में भी आपको चेंज लेके आना है। पहली चीज, आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है उसे आप सही करो, और साउंड स्लीप बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। तो अपन नींद जो है वो अपनी पूरी लें आप इन दिनों, ठीक है, उससे आपका इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती है, तो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप एक्सरसाइज करें हर दिन, और बेसिकली योगा भी करें। एक दो योगा मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बेटर होती है पहले से, तो आप उसको लेके आए। अलोम विलोम, कपाल भाती,
भारती इन योग को अपने लाइफ में लेके आए। जिनको नहीं पता है कि कैसे करते हैं तो आप बाबा रामदेव जी का वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं कि इन योग को कैसे करते हैं, और इनको जरूर करें आप, इससे आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज करने के लिए अभी जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि हम बाहर नहीं जा सकते तो एक्सरसाइज कैसे करें, कर सकते हैं आप अपने घर में करें। अब घर में कैसे कर सकते हो, बेडरूम से आप बालकनी जा रहे हो, बालकनी से हॉल में आ रहे हो, इस तरीके से आप चक्कर लगा रहे हो, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका टेरेस है, छत है, तो छत पे जाके एक्सरसाइज तो इजीली कर ही सकते हैं, राउंड लगा सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक्सरसाइज करो, और ज्यादा से ज्यादा आपने आप ये मत सोचें कि हम बोर हो रहे हैं, इस टाइम को आप इंजॉय करें इस तरीके से लें कि यू आर एंजॉइंग विथ योर फैमिली। आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, उन्हें इंगेज करके रखें, खुद के साथ अच्छे अच्छे गेम्स खेलें। इस तरीके से आपका माइंड भी बहुत ज्यादा फ्रेश रहेगा, और बच्चे भी बोर्ड फील नहीं करेंगे, आप भी फील नहीं करेंगे, और फैमिली भी इंगेज रहेगी एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके से आप अगर जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए और लाइफस्टाइल में जो चेंज लेने के लिए, अगर वो चीजें आप 100% करते हो तो आप, मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा पहले से बेटर हो जाएगी। और अगर ऐसा ना हो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर वर्स्ट कंडीशन में मान के भी चलूं, अगर किसी को कोरोना हो जाता है और उसकी अगर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो इस बीमारी से लड़कर वो घर आ जाएगा। तो हमें अपने आप को हमेशा वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रखना है। आई होप कि ये जो कोरोना है हमारे देश से बहुत जल्दी चला जाए, जैसे बहुत लोग बोल भी रहे हैं गो कोरोना गो, तो गो कोरोना गो हो जाए और हम लोग फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। और लॉकडाउन का भी आप एक बार फिर से, मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के भैया, कि प्लीज़ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है लॉकडाउन का, उसे हर एक तरीके से आप कोशिश करें कि कोई भी, आप अगर उल्लंघन नहीं कर रहे हो तो आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो भी उल्लंघन ना करें इस चीज़ का। और जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस चीज़ों का पालन करो। और एक बार आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब का बटन दबाएं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है उसे आप लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपना सुझाव लिखना ना भूलें, क्योंकि वो मुझे हेल्प करता है कि मैं अपने वीडियोस को और बेटर कैसे बना सकूं। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। आप लोगों का धन्यवाद।